तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि इसका चलन भी काफी बढ़ता जा रहा है। बाहर अमेरिका जैसे देशों में तो एक ट्रेंड भी है फायर का, यानी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली का ट्रेंड भी अब बन चुका है। आपसे एक ग्राउंड चेक भी लेना चाहेंगे, क्या भारत में भी आपको इस तरह का ट्रेंड नजर आ रहा है? हाय पूजा, यस, ये एक्चुअली ट्रेंड ग्लोबली होता जा रहा है पूजा। अगर आप देखेंगे इंडिया में, हमने कुछ समय पहले सर्वे भी किए थे ईडी मनी के यूजर्स के साथ, एंड हमने ये समझा कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूजर्स के लिए या इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया में होता है अपने बच्चों के लिए एजुकेशन। वो नंबर वन गोल आज भी है, लेकिन नंबर टू गोल हर इन्वेस्टर का इस टाइम पे होता है रिटायरमेंट। तो ये एक्चुअली डेवलपमेंट हर जगह पर है, और मुझे लगता है कि इसका रीज़न मल्टीपल तरीकों से आ रहा है, क्योंकि आज की जो मिलेनियल इन्वेस्टर जनता है वो चाहती है कि एक वर्क लाइफ बैलेंस हो, आदमी अपने शौकिया भी पूरे तरीके से ज़िंदगी जीना चाहता है और एक अच्छा काम भी करना चाहता है। लेकिन अगर पूरी चीज़ आदमी पूरी ज़िंदगी आदमी 60 साल तक अगर अपनी काम करने में लगा देगा तो जी नहीं पाएगा, ये बहुत सोचना बनते जा रहा है काफ़ी लोगों का। तो लोग रिटायर जल्दी होना चाहते हैं, इसके लिए लाइफ प्लानिंग भी इम्पॉर्टेंट है, और वो लोग रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये प्लानिंग इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो 2020 कोविड के बाद 21-22 में काफ़ी लोग रिमोट वर्क करते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस करते हैं, और साथ में पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। तो ये एक ट्रेंड काफ़ी इमर्जिंग है, और मुझे लगता है कि ये मेन स्ट्रीम बनेगा इंडिया में आगे जाके, और शायद काफ़ी लोग अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को चेंज करेंगे और शायद रिटायरमेंट को नंबर वन गोल बनाएंगे और चिल्ड्रन एजुकेशन को शायद नंबर टू बनाएंगे। बिल्कुल। तो सुनने में तो संतोष जी काफी अच्छा लग रहा है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, जागरूकता बढ़ रही है अर्ली रिटायरमेंट को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ एक और सिनेरियो है, बढ़ती महंगाई है, खर्चे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से लोगों की सैलरी नहीं बढ़ पा रही है, प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं, ये भी एक कंसर्न है हमारे सामने। तो ऐसे में क्या वाकई संभव है इस गोल को अचीव करना, और फिर किस तरीके से इसे कर सकते हैं? हाँ सो पूजा, ये संभव है, लेकिन ऑफ कोर्स आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी अगर आप रिटायरमेंट जल्दी या टाइम पे करना चाहते हैं। जैसे कि आपने बताया कि महंगाई एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जैसे कि हम देख रहे हैं ग्लोबली इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। इंडिया में हम लोगों ने पिछले महीने देखा कि इन्फ्लेशन 7% के ऊपर था, और अगर आप एक अर्बन इंडिया में ज़िंदगी बिता रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि खास करके हेल्थ केयर एजुकेशन के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो इसी दौरान अगर आपकी इनकम या आय इन्फ्लेशन से ज़्यादा नहीं बढ़ रही है या एक एक महत्वपूर्ण रेट से नहीं बढ़ रही है, तो आपको ज़्यादा सेव करने की ज़रूरत है, अपने खर्चों को कम करने की ज़रूरत है। तो अगर आपको लगता है कि आप रिटायर जल्दी करना चाहते हैं, तो कम से कम 3 या 4 चीज़ों में फोकस करना पड़ेगा कि आप डेट फ्री जल्दी हो जाएं। अगर आप डेट फ्री नहीं होंगे तो आपकी सेविंग्स शुरू नहीं हो सकती है, क्योंकि पूरा पैसा ईएमआई में जाएगा या काफ़ी पैसा आपका ईएमआई में चला जाएगा। तो सबसे पहले आप डेट फ्री हो जाइए, अपनी मंथली इनकम में से अच्छे से सेविंग्स करने के एटलीस्ट कुछ ना कुछ अमाउंट की मंथली एसआईपी शुरू करिए, जिससे कि आप ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अच्छी सेविंग्स कमा सकते हैं। हमने कल ही एक शो किया था और हमने बात की थी कि अगर आप एक 5,000 की एसआईपी करते हैं और उसको 12% से ग्रो करते हैं, तो 15-20 साल में आप 50 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। उसी जगह पे आप 10,000 रुपये की एसआईपी करेंगे तो 1 करोड़ जमा कर सकते हैं। तो इतना मुश्किल भी नहीं है ये अमाउंट्स इन्वेस्ट करना फॉर बहुत सारी इंडियंस के लिए, और अगर आप ये करेंगे तो आप रिटायरमेंट प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं।
बिल्कुल, तो कुछ बातों का ध्यान रखें। पहले तो कर्ज मुक्त होना जरूरी है, बचत धीरे धीरे करें, इनकम और इन्वेस्टमेंट के अलग अलग एवेन्यूज खोजने की कोशिश करें, जो कि इस डिस्कशन में यहाँ पर सामने निकल कर आया। संतोष जी, अब केस बाय केस इसको समझना चाहेंगे। जब हम अर्ली रिटायरमेंट की बात करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज आता है और दिमाग में पहला आता है कि इसके बाद जो रेगुलर इनकम जो हमारे पास आ रही है एज अ प्रोफेशनल, जब हम काम कर रहे हैं, वो कैसे कंटिन्यू करें और उसके लिए क्या करना चाहिए? इसके कुछ तरीके हैं पूजा। अगर एक इन्वेस्टर है तो वो मल्टीपल तरीकों से अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकता है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि रिटायरमेंट प्लानिंग में आपका एक अक्यूमुलेशन फेस होगा, जिसमें आप पैसे को जमा करेंगे, मंथली SIP करेंगे म्यूचुअल फंड्स में, या कोई अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे और एक पोर्टफोलियो खड़ा करेंगे, जो एक बड़ी रकम हो जाएगी 15, 20, 25 साल बाद आपकी रिटायरमेंट एज के टाइम पर। और आप उसमें से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं धीरे धीरे, लाइक सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, या कुछ कुछ अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, डिविडेंड इनकम से आपको पैसे मिल सकते हैं हर सालाना। तो एक एक सोर्स ऑफ इनकम ये हो सकता है कि आपकी जो स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको आप यूज कर पाएं थ्रू विड्रॉल्स और डिविडेंड इनकम। सेकेंड तरीका ये होता है, बहुत लोग एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें उनको एक रेंटल इनकम मिलती है। अगर आप आज के अर्बन इंडिया में देखेंगे तो सालाना जो यील्ड मिलती है, मतलब कि आपकी जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कि उसमें ऑलमोस्ट 2 से 2.5% का आपको वैल्यू, प्रॉपर्टी का वैल्यू में आपको सालाना इनकम रेंट में मिल सकती है। वही कमर्शियल प्रॉपर्टी में 8% से 10% भी मिल सकती है। तो अगर आप ऐसी कोई चीज़ों में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं तो एक वो इनकम का तरीका बन सकता है आपके लिए, क्योंकि वो एक एक कंटिन्यूस बेसिस पे आपको एक कैश फ्लो प्रोजेक्शन मिल सकती है। थर्ड तरीका है कि आप अपनी स्किल सेट को ऐसे करें कि आप अगर चाहें और आपको जरूरत पड़े तो आप उस रिटायरमेंट एज पे एम्प्लॉयबल रह सकते हैं, या कुछ एक पार्ट टाइम कंट्रीब्यूशन करके कहाँ ना कहाँ आप इनकम कमा सकते हैं। तो ब्रॉडली 3 तरीके हैं, आप ऐसे सोर्सेस में इन्वेस्ट करिए जो आपको एक मंथली कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट्स के तरीके पर जो रेंटल दे सकता है, और स्टॉक्स म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में आपको विड्रॉल या डिविडेंड इनकम, या फिर तीसरा है कि आप ऐसी चीज़ें करें कि आप एम्प्लॉयबल रहें। बिल्कुल, तो ये 3 कुछ तरीके बताए अपने स्किल सेट का इस्तेमाल करते हुए रेगुलर डिविडेंड इनकम मिल सके। इस तरीके से आप एक रेगुलर इनकम यहाँ पर ला सकते हैं। एक और बड़ा अहम यहाँ पर एक्सपेक्ट है, रिटायरमेंट प्लानिंग के बाद सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है आपके हेल्थ इंश्योरेंस का, लाइफ इंश्योरेंस से जुड़े जो डिसीजन होते हैं, क्योंकि हेल्थ इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी, ये सब तो बता के नहीं आती, और जब आती हैं तो बड़ा खर्चा यहाँ पर सामने निकल कर आता है। उसके लिए किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए? से आसान तरीका और किफ़ायती तरीका मैं कहूँगा कि आपके पास एक खुद का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। बहुत लोग इंडिया में, एटलीस्ट जो सैलरीड लोग हैं जो प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, तो उनको उनके एम्प्लॉयर्स हेल्थ इंश्योरेंस एक एम्प्लॉई बेनिफिट के तरीके में देते हैं। लेकिन ये जो आपको जो आपको एक जो आपका एम्प्लॉयर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है वो तब तक वैलिड होता है जब तक आप नौकरी में हैं, लेकिन जब नौकरी से बाहर निकलेंगे तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस वैलिड नहीं रहेगा। तो आपके पास खुद की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत जरूरी है होना। और ये ऐसा नहीं है कि आपको रिटायरमेंट के टाइम पे लेनी है, ये आपको पहले लेनी पड़ेगी पूजा। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप जितना लंबा आपकी एज होती जाती है, आप अगर 45 ईयर्स के हो जाए, 50 ईयर्स के हो गए, तो बहुत लोग लाइफस्टाइल डिजीज का शिकार हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज या मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन भी आ सकते हैं। तो क्या होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करती हैं, आप इनएलिजिबल हो जाते हैं, या अगर आप एलिजिबल भी होती हैं तो बहुत सारे एक्सक्लूजन्स आ जाएंगे कि कुछ कुछ बीमारियां जो आपको हो चुकी हैं वो कवर नहीं होंगी, उनका खर्चा कवर नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम बोलते हैं कि आप SIP जितना जल्दी स्टार्ट करें उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलेगा आपको लाइफ में, वैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस है। आप जितना जल्दी हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो आपकी
पूरी पॉसिबिलिटीज जो फ्यूचर में हो सकती हैं, आपको बीमारियां हो सकती हैं, वो पहले से कवर रहेंगी। तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है। और सेकेंड तरीका ये होता है कि आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस को बढ़ाएं, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो चीज़ कुछ टाइम पहले अगर आप एक हार्ट सर्जरी का खर्चा देखेंगे तो 1 लाख में काम होता था, वही आज 4 लाख में होता है। तो जो हेल्थ इंडस्ट्री में या मेडिकल जो कॉस्ट बढ़ती जा रही है, उसका जो महंगाई है, उसका जो इन्फ्लेशन है, वो करीबन 10 से 12% का है। तो आज को वो सेम चीज़ जो 4 लाख या 5 लाख में होती है, वो आज से 10-15 साल बाद 15 लाख की भी हो सकती है और बड़ी महंगी भी हो सकती है। तो एक एक कॉन्सेप्ट होता है हेल्थ इंश्योरेंस में टॉपअप इंश्योरेंस पॉलिसीज का। तो आप एक छोटा सा अमाउंट जो आप खुद पे करेंगे इंश्योरेंस कंपनी के पहले पे करने के पहले, आप अगर ऐसा ऑप्शन लें तो आप टॉपअप पॉलिसी ले सकते हैं, जिसमें काफ़ी लंबा इंश्योरेंस 50-50 लाख या 1 करोड़ का भी काफ़ी सस्ते में मिलता है सालाना प्रीमियम के हिसाब से। तो आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस सबसे पहले लीजिए और उसको ऐसे प्लान करिए कि बड़े से बड़ा अमाउंट भी आप शायद खर्च कर पाए, अफोर्ड कर पाए, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आपका पैसा देगी। और अगर आप ये नहीं कर सकते या आपको लगता है कि आपको पूरा डिपेंडेंसी इंश्योरेंस पे नहीं रखना है, तो आप खुद का एक हेल्थ फंड बनाइए कि उसमें आप इन्वेस्ट करिए कि आप आपके पास एक बड़ी रकम हो जब तक आप रिटायर हो, जो आप खुद अफोर्ड कर पाए अगर आपको कुछ हो जाए। तो ये दो तरीके हैं। मैं कहूँगा कि हेल्थ इंश्योरेंस एक्चुअली पूरी इन्वेस्टर जनता के लिए काफ़ी काम की चीज़ है, वो लेना चाहिए इन माई ओपिनियन सबसे पहले। बिल्कुल, तो हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, रेगुलर इनकम की तैयारी अगर आपने किसी तरह से कर ली तो फिर आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तैयार हैं। संतोष जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी चीज़ की शुरुआत करना। अगर आज मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अर्ली रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करनी है, सबसे पहले मैं क्या करूं, कैसे शुरुआत करूं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे जो कि अब इस चीज़ के तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, शुरू करना चाह रहे हैं? पहले आप एज एन इंडिविजुअल अपने खर्चे पता करिए कि आपकी मंथली खर्चे कितने होते हैं पूजा, और जो आपके खर्चे होते हैं आप उनको एनालाइज करिए कि जब आप रिटायर हो जाएंगे तो उसमें से कौन से खर्चे एक्चुअली जरूरी रहेंगे और होते ही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एक प्रोफेशनल है, सैलरीड एम्प्लॉई है, बिजनेसमैन है, तो आप जो आपका रेगुलर खर्चा या रोज का अनअवॉइडेबल खर्चा होता होगा, वो शायद होता होगा आप ऑफिस जाते हैं या आपने अपनी प्लेस ऑफ वर्क पे जाते हैं, तो वो जो खर्चा है रोज का आना जाना, शायद वो लागू नहीं होगा आपकी एज में, 60 साल की एज में या रिटायरमेंट के बाद। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि जो आज का खर्चा है वो एग्जैक्टली अप्लाई कर देते हैं और उस पर इन्फ्लेशन एज्यूम करते हैं, तो काफ़ी बड़ी रकम दिखती है और वो हमको डरा देती है कि हम रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं कर सकते। तो ऐसा मत करिए, आप अपने खर्चों को ये देखिए कौन से खर्चे लागू होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज एक रेंटल घर में रहते हैं, आप मंथली रेंट भरते हैं, और अगर आपका प्लान है कि एक खुद का घर आपका होगा कुछ सालों बाद, तो आपका रेंटल खर्चा नहीं होगा। तो आप सबसे पहले एक सही अमाउंट निकालिए जो आपके खर्चे लागू होंगे, उसको ऐड करिए। शायद वो अमाउंट 50,000 पर मंथ होगा, 40,000 पर मंथ होगा, या 1 लाख रुपए पर मंथ भी होगा, उस पर आप इन्फ्लेशन लगाइए। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है और आप एक कन्वीनियंट लाइफस्टाइल जीते हैं, तो आपका जो इन्फ्लेशन होगा शायद 7% होगा। जो जो फैमिलीज थोड़ी सतर्क तरीके से रहती हैं या एक कन्वीनियंट कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी रहती हैं, तो उनका इन्फ्लेशन शायद 5 या 6% होगा। तो आप इन्फ्लेशन अज्यूम करिए, तो अगर 50,000 रुपये को आप 6 से 7% से इंक्रीज करते हैं, तो 20 साल में वही अमाउंट शायद 1,60,000 रुपये के आसपास होगा, सालाना 20 लाख के आसपास होगा। तो मतलब यह है कि आपके पहले साल में रिटायरमेंट में आपके पास 20 लाख रुपये होने चाहिए। और अगर आप अज्यूम करेंगे कि आप अगर 60 साल की एज में रिटायर होंगे, तो इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से मेडिकल इन्वेस्टमेंट एडवांसमेंट जो चल रहे हैं, शायद आप 20 या 30 साल कम से कम रहेंगे। तो आप उस पर लगाइए, इन्फ्लेशन निकालिए कि आपको कितनी एक कॉर्पस लगेगी कम से कम,
जो आप 20 से 30 साल आसानी से रह पाए। ऑफ कोर्स आप अज्यूम करेंगे कि आपकी रेंटल इनकम अगर है, या कमर्शियल रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट किया होगा, या म्यूचुअल फंड के विड्रॉल प्लान से होगा, तो आप उसे कैश फ्लो को इंक्लूड करेंगे और अज्यूम करेंगे कि कितना इन्वेस्टमेंट मुझे करना चाहिए और सो दैट आप वो इनकम लेवल पे पहुंच पाए। तो ये एक प्रोसेस होगी कैलकुलेट करने की रिटायरमेंट कॉर्पस, और फिर आप अज्यूम करिए कि कितना आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और अगर आप 10% रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, 12% रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, तो कितना आपको SIP करनी पड़ेगी हर महीने, या हर महीने आपको स्टॉक्स में वैसे लगाने हैं, जो भी आप एसेट क्लास सेलेक्ट करेंगे। इक्विटी एसेट क्लास आपको बेटर रिटर्न देगा लॉन्ग टर्म में, तो अगर आप वो अज्यूम करेंगे तो आपको एक SIP अमाउंट मिलेगा और उसके हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.